अगर हम बात करते हैं कैरेंस की, तो अगर उसमें डीआरएल नहीं लगा तो कैरेंस नहीं लगता। कैरेंस के अंदर ऑटो फोल्डिंग बिल्कुल। तो भाई यार सीट का और भाई दूसरी गाड़ी में ये वाले लगाए भाई, क्या फैब्रिक है भाई ये? ये देखिए फिनिशिंग देखिएगा, ये लेदर रैप है। जैसा हमारे पीछे देख रहे हो भाई, गाड़ी का ना भाई अभी नंबर भी नहीं आया, बिल्कुल नंबर भी अप्लाइड फॉर है भाई। इस गाड़ी के अंदर ना भाई, मैं गाड़ी का नाम बताता हूँ, किया कैरेंस। किया कैरेंस के अंदर हमने भाई पूरा इंटीरियर किया है, पूरा 360 व्यू का वर्क किया है, और सबसे मेन पता है क्या है, किया कैरेंस की डीआरएल वर्किंग करना, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि किया कैरेंस की जो अपनी डीआरएल है इसको वर्किंग कर दे भाई। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो इस ओरिजिनल हेडलाइट को वर्किंग करते हैं, तो वो सारा काम आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, उसका नाम है भाई ऑटो क्लासिक। और आज की वीडियो में जो हमारे साथ रहेंगे वो है भाई दीपक भाई। दीपक भाई पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, गाड़ी के अंदर क्या काम किया, कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ किया वो बताएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते, करते अपनी वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। भाई लोग जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले दीपक भाई। राम राम भाई, कैसे राम हो? राम भी, बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुश नजर हो भाई आजकल, क्या बात है। बहुत बढ़िया, खुश रहना चाहिए बिल्कुल। तो भाई इस वक्त जो टाइम हो रहा है भाई 12:22, सबसे पहले होता गाड़ी कितने बजे आई थी भैया? गाड़ी अपने पास आई थी 2 बजे के आसपास आई थी। 2 बजे से फिर भी यार 12:30 ज्यादा नहीं हो गया भैया? इसमें काम भी उसी हिसाब से पूरा इंटीरियर लग्जरी वाला बना है। मैं आपको सारी वर्किंग दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने इसमें की है। बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई सबसे पहले ऑलवेज तुम्हारा भाई स्टार्ट करता है भाई फ्रंट से। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास दीपक भाई है भाई, फ्रंट से बताओ भाई सबसे बड़ा टास्क क्या रहता है हमारे पास? भैया देखिए, अगर हम बात करते हैं कैरेंस की, हाँ, तो अगर उसमें डीआरएल नहीं लगे तो कैरेंस नहीं लगती। कैरेंस नहीं लगती भाई, फिर वो सोनेट या सेल्टोस लगती है आपको। बिल्कुल। अगर आपके पास कैरेंस है और उसमें डीआरएल नहीं है, बिल्कुल, तो सबसे पहले डीआरएल लगवाइए अगर लुक आपको गाड़ी की चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, ये एक बार डीआरएल का लुक देखिए इंडिकेटर में, ये देखिए प्रॉपर वर्किंग है। एक बार मैं ना इसको अंदर से भाई एक बार इसको नॉर्मल करो, नॉर्मल करो। ये देखिए अपने पार्किंग मोड रहने वाला है, ठीक है। इंडिकेटर मोड मैंने आपको दिखा दिया वर्किंग है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। साथ बात करें भैया, अपने फॉग लाइट लगे हैं, ये भी डीआरएल वाले रहने वाले हैं। ये वाला जो लगा है ये पर, अगर इसमें भी डीआरएल वर्किंग दिखाएं तो आपको वो भी दिखा होगा वीडियो के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर हमने एक एलईडी लगाई है 190 वॉट की। भाई एक बार एलईडी जला के दिखा दो। ये देखो भाई इसका रिस्पॉन्स देखिए, ये देखो भाई, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, लो बीम अपर डीम आप लोगों दोनों। हाँ जी, अभी जितना दूर जाएगा उतना ब्राइटन होता दिखेगा आपको प्रॉपर। कंपनी की लगाई भाई ये? भैया 190 वॉट लगी एडिशन की। एडिशन की प्राइस जानने अगर जानू तो मैं भैया 7,000 रुपए की पड़ती है आपको। एक सेट भाई वारंटी गारंटी 2 साल की, 2 साल की वारंटी के अंदर 7,000 रुपए की आपको ये लाइट हम लोग ऑफर करें। ओनली ऑन एक्सक्लूसिव अपना, जैसा देख सकते हो तुम्हारा भाई है ऑटो क्लासिक पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भाई फ्रंट की बात हूँ, फ्रंट में और भी कुछ हो सकता है भाई? भैया फ्रंट में अगर किसी को क्रोमिंग आइटम करवानी है, जैसे हेडलाइट क्रोम मिल जाएगा जी, टेल लाइट क्रोम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा पियानो में आता तो इस पे शोर लुक नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, तो इसको ऐसे ही रखिए, बेस्ट है ये पूरा। आप देख सकते हैं पूरी लाइट की एलईडी है। ये अपनी पार्किंग आ गई, ठीक है। ये अपनी एलईडी आ गई, ठीक है। ये हमारी फॉग लाइट डीआरएल आ गई, ठीक है। तीनों चीज वर्किंग है फ्रंट से, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भैया, भाई फ्रंट में जैसा भाई ने बताया ये सारा काम हो सकता है। अब चलते थोड़ा साइड पर, साइड की बात करते हैं। अगर ये साइड में अपने पास इसके काफी ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रूफ रेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये अगर किसी को टू टोन में करवाना है रूफ, वो भी हो जाएगा। डोर वाइजर लगवाना है, डोर वाइजर भी हो जाएगा, ठीक है। लोअर गार्निश लगवाना है, वो भी हो जाएगा। और सबसे मेन अगर ऑटो फोल्डेबल मिरर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग बिल्कुल। वारंटी बताओ भाई? लाइफ टाइम मिलेगी भैया जेन्युइन। कंपनी रिले बताओ कौन सी लगा रहे हो? आरडी कंपनी की रिले लगा के दिए। वर्किंग है इसके अंदर? बिल्कुल वर्किंग है भाई। आप लोग को दीपक भाई सपोज टू भी कर रहे हैं, बिल्कुल आरडी की रिले आपको किया कर रहे हैं, इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग वर्किंग मिलेगी। बिल्कुल मैं आपको करके दूंगा। बहुत बढ़िया। और लाइफ टाइम वारंटी? बिल्कुल भैया। ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसमें अगर आपको क्रोमिंग वगैरह लगवानी है, आपको जैसे इस जगह पे हैंडल क्रोम लग जाएगा, ठीक है। साइड बीडिंग लग जाएगा भैया, लग गया। फुटरेस्ट भी लग जाता है कैरेंस का, मैंने आपको काफी वीडियोस में दिखाया भी कैरेंस। तो भाई वो जेन्युइन तो आता नहीं है? जेन्युइन नहीं आता भैया, आफ्टर मार्केट में कैरेंस की बैचिंग के साथ बेस्ट फिनिशिंग मिल जाती है। और मैं बात करूँ तो गैलियो का होता है, आफ्टर मार्केट होता है भैया? आफ्टर मार्केट होता है वो, फुटरेस्ट भाई। वारंटी एबीएस का रहता है? एबीएस वाला। हाँ जी। ओके ओके। और सबसे मेन इस गाड़ी में 360 लगा है, ठीक है। ये आप साइड कैमरे की प्लेसमेंट देख सकते हैं प्रॉपर। ये देखिए भाई, हाँ जी, कौन सी कंपनी का लगाया इसके अंदर? ये भैया मेगासोनिक का लगा है 464 के साथ। मेगासोनिक का 464 के अंदर आपको 360 मिल जाता है, जो कि हमने अभी गिनी चुनी किए कैरेंस में लगाया ना। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अगर हम बात करें फ्रंट से तो एक कैमरा फ्रंट में भी इसके प्लेस है, अगर आप बोले हाँ, हाँ, दिखा दिया था मैंने। ये हो गया साइड कैमरा, ठीक है। सेम ऐसा कैमरा उस तरफ लगा होगा भैया। अगर हम बैक साइड की बात करते हैं, मतलब टोटल 4 कैमरा, एंगल कितने बनते हैं भैया? इसमें एंगल आपको 3D व्यू मिलता है प्रॉपर, ठीक है। 12 एंगल, मतलब 12 एंगल मिलता है प्रॉपर प्रॉपर। तो मतलब 4 कैमरा कितने एंगल? 12। बहुत बढ़िया। एक कैमरा आप ये देख सकते हैं बैक में OEM स्पेस पे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ये देखिए
ठीक है। हाँ, अगर किसी भाई को इसमें रिफ्लेक्टर लगवाना, रिफ्लेक्टर भी लग जाएगा। ये नीचे वाला बड़ा वाला ये दो तरफ का, हाँ जी मिल जाएगा। ओके। फुटरेस्ट लगवाना, फुटरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। और अगर बम्पर कार्ड चाहिए, बम्पर कार्ड भी मिल जाएगा भैया। ठीक है। हाँ, कोई भी काम कराना हो आपको गाड़ी में, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा किया कैरेंस के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी भैया। तो भाई ये तो होगी सारी मोटी मोटी बाहर की बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर। हाँ जी भैया। चलो भाई। तो भाई लोग जैसा देख रहे हो, तुम्हारा भाई ऋषभ चौधरी आ चुका है गाड़ी के अंदर, और हमारे साथ अंदर भी कौन है? दीपक भाई। बिल्कुल। तो भाई अंदर से पहले, सबसे पहले भाई फ्रंट से बात करते हैं। भाई फ्रंट से क्या क्या चेंज हुआ है गाड़ी के? भैया अगर फ्रंट से हम बात करें तो ये जो आप पैनल देखने वाले हो, ठीक है, इस पे आपको लेदर रैप मिल जाएगा। यार मैं बोलने वाला था हाइड्रोडिप बोलना है इसको। ये लेदर रैप है। ये देखो फिनिशिंग देखिए भैया, भाई प्रॉपर फैब्रिक देखिए एक बार। बिल्कुल भाई, ओएम टेक्सचर मिलने वाला आपको। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये स्टीरियो का एक फ्रेम पियानो के साथ। तो भाई ये इसके अंदर आया, पूरा फ्रेम चेंज होता है क्या चीज है? पूरा फ्रेम चेंज होता है भैया इसके लिए। ठीक है। आपको जैसे कोई भी गाड़ी हो उसके लिए फ्रेम ही चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका स्टीरियो को लग पाएगा। इसमें 9 इंची और 10 इंची दोनों लग जाता है। तो भाई ये 10 है क्या? ये 10 इंची है भाई, देख रहे हो 10 इंच की क्लियरेंस के अंदर भाई, बहुत प्यारा। सेम ये लेदर रैप आपको उस तरफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ये स्टीयरिंग कवर भी आप देख सकते हैं भैया, ये देख सकते हैं बिल्कुल। और सबसे जो आपकी गाड़ी को क्लास लुक देने वाला है वो है भाई एम्बेंट लाइट। ये देखो फिनिशिंग देखिएगा, ओरिजिनल कंपनी स्पेस। इसके नीचे लाइट देखिए, जैसे कंपनी आपको टॉप मॉडल में देती है, प्रोवाइड करवाती है। पीछे देख सकते हो भाई ये रहा। सेम भैया भाई, अब पीछे की बात आ गई है तो भाई यार सीट कवर भाई दूसरी गाड़ी में ये वाले लगा है भाई, क्या फैब्रिक है भाई ये? भैया ये मसाई लेदर है, इससे पहले बीएमडब्ल्यू में लगा था। हाँ। अब आपको किया कैरेंस में दिखने वाला है प्रीमियम लुक, इसको बोलते हैं आलमंड कलर। ठीक है। हाँ, बाकी फिटमेंट की बात करें तो 0/0। ठीक है। लेदर की बात करें तो प्रॉपर लेदर है फिनिशिंग के साथ। ठीक है। कहीं से कुछ नहीं, क्रैकिंग वगैरह का कोई कंप्लेंट नहीं है। लाइफ टाइम वारंटी के साथ ही सीट कवर आपको रहने वाला है। हाँ जी। बाकी अगर आप देख सकते हैं डिजाइनिंग वगैरह, आप अपने खुद के हमारे पास आके कस्टमाइज करवा सकते हैं, ये मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है। हाँ, अगर फिटमेंट की बात करें तो पीछे की भी सीट सारी देख सकते हैं, हेडरेस्ट वगैरह सारे देख सकते हैं भाई। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाई, 7 सीटर के अंदर। हाँ। भाई मसाई लेदर लगाना भाई, प्राइस कितने लग गया भाई? ये भैया आपको 14,000 रुपए की कॉस्ट में आता है भाई, 14,000 रुपए के अंदर सीट कवर विद आर्म रेस्ट। हाँ जी। ये भैया आप ये मत देखिएगा कि आपको हर 7 सीटर का 14,000 में मिल जाएगा। हाँ। किसी गाड़ी में कुछ शेप्स में फर्क होते हैं। हाँ। किसी में कुछ सेंसर्स का फर्क होता है। हाँ। आपको जैसे कैरेंस है और मसाई लेदर चाहिए तो मैं आपको 14 में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, ऑन वीडियो में बोल रहा हूँ, मसाई लेदर ऑन वीडियो भाई बोल रहे हैं। आर्मरेस्ट में आपको मैं बात करूं इंटीरियर के साथ, इंटीरियर भैया आप देख सकते हैं, जैसे आप ये डोर पैनल देखिए एक बार, ये देखो भाई सेम लेदर आपको मिलने वाला है। मिल गया। इंटीरियर में आप इस पे देखिए, कुछ नहीं है ये भाई, ये देखो प्रॉपर है, कोई आपको इस पे फॉर्मिंग डाल के नहीं देता भैया। ठीक है। कोई आपको ये लाइट की फिटिंग अगर ऐसी नहीं दे पाएगा भाई, वो पता है क्या, ऊपर से काट देंगे आप लोग, नीचे यहाँ से कर देंगे, ऊपर छोड़ देंगे। हमारी वो रहती है जो कंपनी टॉप मॉडल में आपको देती है। ठीक है। आप काम हमारे पास करा रहे हो, अगर कोई बंदा देखेगा तो वो आपसे जरूर रेफरेंस मांगेगा कि भैया कहाँ से आपने काम कराया। बिल्कुल। हाँ भाई। डोर पैनल की फिनिशिंग देखिए, कुछ बंदे यही पार्ट करके देते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम आपको पूरा जो लग्जरी इंटीरियर वो बना के देने वाले। ठीक है। एज पर सीट कवर भाई, अब मुझे बता दो 14,000 के तो सीट कवर होगा। हाँ। इंटीरियर के साथ बताओ भैया, इंटीरियर के साथ बात करें तो जैसे ये डैशबोर्ड की बात करते हैं। ठीक है। 4,500 रुपए का डैशबोर्ड का कॉस्ट आता है भैया। ठीक है। डोर पैनल्स की बात करते हैं भैया तो ये आपको 5,000 रुपए का आता है। ठीक है। दोनों पार्ट। अच्छा, दो, एक मतलब एक और दो। ठीक है। चारों दरवाजे के लिए। ठीक है, ठीक है। आठों दरवाजे हो गए आपके, आठों डोर पे, आठों दरवाजे। टोटल कितना पैसा लगा दिया भैया? 14,000, 4,500 और 5,000 भाई। ये तो मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन चीज इंटीरियर आपको क्लास मिलने वाला है भाई। मैं तो अब भी क्लास लग रहा भाई, देख सकते हो फ्रंट देखो, चाहे साइड देखो और चाहे बैक देखो भाई, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में अगर कोई बैठ गया ना एक बार तो बोलेगा भाई चार लगा, बोलेगा कि कंपनी फिटेड आइटम से बढ़िया चीज है भाई। कंपनी exactly. आपको 40,000 के भी सीट कवर देगी, 80,000 के भी देगी। हाँ। लेकिन इस कपड़े का कोई तोड़ नहीं है, इस फिटिंग का कोई तोड़ नहीं है। सबसे मेजर बात भैया आपकी कैरेंस गाड़ी के लिए जो मैं देने वाला हूँ वो आपको एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर देने वाला हूँ। एयरबैग वाले ये देखो भाई, एयरबैग की कटिंग दिखाऊं मैं आपको तो इस टाइप का कुछ आपको दिखने वाला है। ये देखो, ये हमारा पूरा कवर रहता है। ठीक है। लेकिन एयरबैग खुलने की प्रॉपर स्पेस रहती है। बहुत बढ़िया। मतलब कई बंदे बोलेंगे कि भैया ये हो गया वो हो गया, उस पर मजा आइएगा। तो भाई 14,500 इसीलिए आएंगे, 14,000 इसीलिए एयरबैग वाले एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर। ये देखो भाई, एड्रेस भी देखिए आप एक बार, फिटिंग देखिए और फॉर्मिंग कुशनिंग वगैरह आपको दिख रही होगी इस जगह पे। प्रॉपर भाई, प्रॉपर। हाँ जी। तो भाई मैं अगर बात करूं तो मतलब 14,000 ये और सीट कवर टोटल मिला के मतलब अच्छा खासा खर्चा हुआ है। 23-24,000 में इंटीरियर आपको मिल जाएगा। मिल जाता है, लेकिन भाई वर्थ है। अगर आप इसमें जैसे कि कोई और हल्का फैब्रिक लोगे तो मैं आपको हल्का फैब्रिक भी दे दूंगा। ठीक है।
उस सीट कवर की बात करें तो 7 सीटर के लिए 8,000-8,500 में आपको सीट कवर में यार, मतलब उसमें तो मजा भी नहीं आएगा। ये जो ये फैब्रिक आपको नहीं मिलने वाला, ये क्वालिटी, ये फिनिशिंग आपको नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। अगर मैं बात करूं भाई एंड्रॉइड कौन सी कंपनी का है? एंड्रॉइड भैया मेगासोनिक का लगाया हमने इसमें 464 विथ 360 सपोर्टेबल। भाई 360 कौन सी कंपनी का डाला है? मेगासोनिक का, सेम ब्रांड का, जो आपको कैमरा क्लैरिटी प्रॉपर मिले, कोई आपको कैलिब्रेशन वगैरह में दिक्कत ना हो। किसी भाई को अगर नीड है स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने का तो स्टीयरिंग व्हील भी इससे वर्किंग चलेगा पूरा, ठीक है। हाँ जी, अगर हम टच का रिस्पांस देख सकते हैं आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए भाई प्रॉपर आप लोग चेकआउट कर रहे हो भाई, एमेंट लाइट लो। अगर भाई मैं अगर मैं बात करूं भाई इसमें नीचे क्या डाला है? 70 मैट है भैया। उसके नीचे और भी इसके नीचे एक फ्लोरिंग हुई है हमारी, जो लेमिनेशन फ्लोरिंग रहने वाली है आपको भाई, ठीक है। उसके ऊपर 70 मैट है, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी फिटिंग में, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लच ब्रेक सब चीज परफेक्ट चलेंगे आपके, कोई इशू नहीं। वैसे भी ये सेमी ऑटो है तो हाँ, देख सकते हो आईएमटी मॉडल है, आईएमटी मॉडल है, तो इसके अंदर भाई सिर्फ गियर आता है और ब्रेक आता है, ब्रेक आता है। अगर हाँ मैं भाई अभी गियर डाल दूं, ये डाल दिया तो भाई गाड़ी आगे जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हैंड ब्रेक नीचे करोगे। ओके बहुत बढ़िया भाई, ये चीज बढ़िया है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं तो भाई आपको मुझे ये बताओ किया कैरेंस के अंदर किसी को बेस टू टॉप काम कराना कितना खर्चा मानते भैया? 70,000-75,000 में आपका सारा वर्क हो जाएगा जो मैंने इस गाड़ी में किया है, पूरा वर्किंग के साथ बिल्कुल। 360 आपको मिल जाएगा। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो हमने JBL के कंपोनेंट डाले आगे। अच्छा, स्पीकर भी चेंज करें? बिल्कुल करें भैया, बेस मॉडल आया था अपने पास, आगे हमने कंपोनेंट डाले JBL के और पीछे हमने डाले JBL के कोएक्सल। भाई बात करूं डैम्पिंग नहीं डाली? डैम्पिंग भी हुई है भैया। कौन सी कंपनी की? अगर JBL के स्पीकर लगेंगे और डैम्पिंग ना हो तो सिस्टम बैठेगा, मजा ही नहीं आया। मिंडा की डैम्पिंग लगी है इसमें भैया, 900 रुपए पर शीट का कॉस्ट आता आपको डैम्पिंग का। और स्टार्टिंग की बात करूं डैम्पिंग? स्टार्टिंग भैया 600 रुपए से आपको मिल जाएगी। बहुत बड़े भाई, 600 रुपए से डैम्पिंग स्टार्ट है, बढ़िया वाली घटिया वाली भाई रखते ही नहीं है। बिल्कुल भैया, आपको जो 600 में भी दूंगा उसमें भी गारंटी वारंटी है, क्योंकि भाई पब्लिक जो है ना 400-400 रुपए में दे रही है मार्केट, दे रही है भैया, बिल्कुल दे रही है। गाड़ी खुलने के बाद वो 400 के भैया 800 भी बनते, 700 भी बनते, लेबर चार्ज लग लेबर चार्ज लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता। मैं जो आपको दूंगा डैम्पिंग वगैरह का कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है ठीक हाँ, है। अगर आप बात करिएगा 360 व्यू की तो एक बार आप 360 व्यू देख लीजिए। ये देखो भाई, ये हमारा बैक का आ गया, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंगल आ गया भैया, ठीक है। ये साइडो का आ गया, दोनों जैसा आपको दिख रहा होगा हमारी काफी वीडियोस में हमने वर्किंग किया है, ठीक है। प्रॉपर कैलिब्रेशंस के साथ ये हमारे दोनों साइड का आ गया, ठीक है। स्टीयरिंग की बात करें भैया तो आप इस तरफ देखिए, दोनों स्टीयरिंग आपका रोटेट करेगा। ये देखिए भाई कर रहा है, प्रॉपर दिखा रहा है भाई स्टीयरिंग। ये देखिए भाई, ठीक है भैया, ठीक है। बाकी अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी आपको क्लास मिलने वाला है, ठीक है भाई। मैं बात करूं तो ये क्या अपना जो है स्टीयरिंग के मैं राइट इंडिकेटर दूं? अरे वाह, इंडिकेटर वर्किंग, ठीक है। मैं लेफ्ट देता हूं, ये देखो भाई प्रॉपर लेफ्ट भी वर्किंग है, राइट दोनों तरफ का, बहुत प्यारा है। तो भाई 360 का प्राइस बताओ कितने रुपए से स्टार्ट? भैया 360 आपको 22,000 रुपए में मिल जाएगा विद सिस्टम, विद 360 फिटिंग करके कैलिब्रेशन। कंपनी बताओ कौन सी? मेगासोनिक। मेगासोनिक भाई 22,000 रुपए। हाइपरसोनिक? हाइपरसोनिक की बात करें भैया, हाइपरसोनिक में दो मॉडल है, 232 और 432, ठीक है। दोनों की प्राइसिंग आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक नहीं बोल रहे, नहीं रिवील करने दे। ओके ओके भाई, अब एक बार मुझे आउटपुट सुना दो, इतनी तारीफ हो गई। हाँ जी भैया सुनो। मतलब भाई इसके अंदर तो भाई कितने स्पीकर डाले भैया? ओनली 4 आगे कंपोनेंट। सच बताओ एक्सेल, मुझे लग रहा 4 नहीं 6 स्पीकर। ये मजा उठा रहा है भाई, ये तो DSP मॉडल रहने वाला है, ठीक है। स्पीकर का भी आउटपुट आपको JBL का ब्रांडेड है, अच्छा है, ठीक है। हाँ जी भैया, अगर मैं बात करूँ जो पूरा सेट लगा, गारंटी वारंटी बताऊँ भैया? 1 साल की आपको स्पीकर्स की मिलती है, 2 साल की आपको सिस्टम की मिलती है सोनिक में। अच्छा मेगासोनिक है ये, ओके। सीट कवर वगैरह आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं, एम्बिएंट लाइट 1 साल की, गारंटी वारंटी वाला प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई आपको गारंटी वारंटी में प्रॉब्लम फेस करने वाली इशू नहीं है, इशू नहीं। हाँ जी। बाकी भाई एक बार लास्ट में सारी चीज बता दी, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं भाई, एक बार इसका ना लास्ट में आप लोगों को एक बार दिखाते हैं बैक कैमरा। भाई बैक कैमरा भी दिखा देते हैं क्योंकि इसमें गियर तो ऐसी लगेगा, तो ये देख सकते हैं भाई बैक कैमरा रिवर्स लगते है, बैक कैमरा एक्टिवेट। ये देखो भाई प्रॉपरली बैक कैमरा आप देख सकते हो भाई। अगर मैं बात करूं भाई पूरा खर्चा गाड़ी के अंदर भैया
75 से 80 हजार के बीच का इसका कॉस्ट आता है पूरा मॉडिफिकेशन जो हमने इस गाड़ी में किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई लोगों ये थी पूरी वीडियो, और भाई आप लोगों को विपुल भाई के और दीपक भाई के और शंकर जी के तीनों नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ऑटो क्लासिक के भाई ये बैजिंग रहेगी। एड्रेस की बात करूं अगर भैया, हमारी शॉप करोल बाग में पड़ती है, हनुमान मंदिर से तीसरा गेट पे आपको हमारी शॉप का बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है, ऑटो क्लासिक के नाम से। नियर बाय लोकेशन बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक आपको हमारे सामने दिख जाएगा, ठीक है, और नियर बाय लोकेशन आपको बीकानेर वाला मिलने वाला है, ठीक है, मार्केट का। तो भाई ये देखो भाई, दीपक भाई ने यहाँ पे पूरी लोकेशन बता दिया। बाकी ये विपुल भाई के छोटे भाई हैं जिनका नाम है दीपक, और इनके जो मामा जी का नाम है वो है शंकर जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। तो भाई लोगों आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये गाड़ी हमने जो मॉडिफाइड करी है कैसी लगी। बाकी आप लोग ना मुझे सजेशन देते रहे करो कौन सी गाड़ी के ऊपर हम वीडियो लाते रहे। बिल्कुल सही बात है भाई। बिल्कुल भैया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूरी कर सकते हैं। बाकी अगर भाई भी रिप्लाई नहीं देते तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे @ReshabChaudhary Vlogs। मिलते हैं तब तक ले, बाय बाय गाइस।